आज तो फ्रॉड होते होते बचा है। अगर 1 सेकंड और लेट होता तो मेरे साथ 2,10,000 रुपये का नुकसान हो जाता, क्योंकि मेरे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 2,10,000 रुपये, जो कि फ्रॉड करने वाला पूरी की पूरी ट्रांसफर कर सकता था। और भाई आज जाके समझ में आया कि दिमाग की बत्ती गुल होना क्या होता है। कुछ सेकंड तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, बट लास्ट टाइम पे जैसे मेरे को समझ में आया, मैं उस फ्रॉड से तुरंत निकल गया, वरना मेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाता। लिमिट इंक्रीज एक ऐसा नाम है, क्रेडिट कार्ड यूजर सुनते ही अपने दिमाग के सोचने समझने की क्षमता खो देता है। मेरे को पता है आप भी एक क्रेडिट कार्ड यूजर है, तो आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा। मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझ में आ गया था, बट मैंने सोचा एक बार थोड़ा सा इस चीज़ को आगे लेके जाते हैं, बट भाई वो इतने प्रोफेशनल तरीके से आपसे बात करते हैं कि आपको समझ भी नहीं आता है कि आपके साथ फ्रॉड भी हो रहा है। पहले वाली बात नहीं है, पहले कोई फ्रॉड करने वाला कॉल करता तो उसकी आवाज़ से ही हमें समझ आ जाता कि ये चोर डकैतों की तरह बात करते हैं। आज के टाइम पे वो इतनी प्रोफेशनल तरीके से आपसे बात करेंगे कि आप सोच समझ ही नहीं सकोगे कि हमारे साथ इस तरीके से भी कोई फ्रॉड हो सकता है। एंड गाइज, ये वाला वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। कुछ ही मिनट पहले मेरे साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ, तो मैंने सोचा ये वाला वीडियो आपके साथ ज़रूर से शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बैंकिंग के रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता हूँ, तो ऑडियंस भी वही है जो बैंकिंग के रिलेटेड कंटेंट देखती है। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो ही आपके साथ फ्रॉड होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जिनका बैंक अकाउंट है उनके साथ भी ये वाला फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि जो तरीका उसने फॉलो किया था, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वाले वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें आपके साथ लाइव यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, या फिर जो फ्रॉड करने वाला है उसने क्या तरीका फॉलो किया था, आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पे बैंकिंग के रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ जो आप सभी के बहुत ही ज़्यादा काम आ सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि हम सबको पता है फेस्टिवल सीजन चल रहा है, जैसे दिवाली आ रही है तो बैंक आपको लिमिट इंक्रीज का ऑफर देगा। ये हम सबको पता है, जब भी कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कोई डील चलती है या फिर कोई फेस्टिवल आता है जिन पे शॉपिंग वगैरह ज़्यादा होती है, तो बैंक डेफिनेटली आपको लिमिट इंक्रीज का ऑफर देगा। मतलब 80-90% यूजर्स को लिमिट इंक्रीज का ऑफर मिल जाएगा, एंड फ्रॉड करने वाले इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, एंड इतने प्रोफेशनल तरीके से आपके साथ पेश आएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है क्या। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सभी चीज़ें शेयर करूंगा। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो इस वाले वीडियो को जल्दी से अपने उन दोस्तों उन रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर देना जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आप ये चीज़ें खुद पे लेके देख सकते हो कि जब भी आपको लिमिट इंक्रीज का पता चलता है तो आप तुरंत से अपने कार्ड की लिमिट को इंक्रीज कर लेते हैं। या फिर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि आपके कार्ड की लिमिट 20,000 रुपये है, एंड मैं आपको 1 लाख करके दे सकता हूं, या फिर कोई तरीका बता दूं कि इस तरीके से आप 1 लाख कर सकते हो, तो आप इजीली मेरे बातों से कन्वेंस हो जाओगे। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था जो कि आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ, तो एंड तक ज़रूर से देखना। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। जस्ट 3-4 दिन पहले मैंने एक्सिस बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन किया था। जैसा कि मैंने पीछे आपको वीडियो में बताया, मेरे पास एक्सिस बैंक का एक क्रेडिट कार्ड ही है, अकाउंट वगैरह नहीं है। आपका अकाउंट है तो भी आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि जिनका अकाउंट है उनके साथ भी ये वाला प्रोसेस करके फ्रॉड किया जा सकता है, क्रेडिट कार्ड है उनके साथ भी इस प्रोसेस के थ्रू फ्रॉड किया जा सकता है। तो मेरे पास एक्सिस बैंक का नियोक मास्टर क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट है 2,10,000 रुपये। तो मैंने सोचा क्यों ना एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड लिया जाए, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त मेरे से कुछ ऑर्डर करने के लिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, एंड क्रेडिट कार्ड से ऑफ मिलता है, जैसे 2,000-3,000 किसी में भी ऑफर मिल गया तो मेरे को ऑर्डर करने के लिए बोलते हैं। तो मैंने सोचा फ्लिपकार्ट वाला कार्ड और ले लेते हैं, क्योंकि उसमें ऑफ़ के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलता है, तो चाहे मेरा बेनिफिट हो उनका बेनिफिट हो फ़ायदा तो होगा ही। तो मैंने सोचा फ्लिपकार्ट वाला कार्ड ले लेते हैं। तो एप्लीकेशन में गया, वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप अपने कार्ड के बेस पे दूसरा कार्ड भी ले सकते हो। जैसे मेरे पास नियो मास्टर क्रेडिट कार्ड है तो मैं अदर कोई कार्ड भी ले सकता हूँ, लिमिट सेम रहेगी बट आपको कार्ड मिल जाएगा। तो वहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर आपको जाना है तो नेक्स्ट वीडियो में उसका प्रोसेस भी बता दूंगा कि कैसे आप एक कार्ड के बेस पे दूसरा तीसरा कार्ड ले सकते हो। तो मैंने वहाँ पे देखा कि मेरे को कौन कौन से कार्ड मिल रहे हैं। तो मेरे को 2 कार्ड लेने थे, पहला है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, क्योंकि मेरे पास प्लस मेंबरशिप है तो सोचा 5% का कैशबैक मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे यूज़ करने पे। दूसरा अगर रुपए कार्ड मिल जाए तो वो ले लूँगा, क्योंकि उसमें यहाँ पे UPI पे यूज़ कर सकते हैं, और आपको पता है UPI पे भी ज़्यादा यूज़ होता है तो उसके रिवार्ड पॉइंट वगैरह अच्छे मिल जाएंगे। तो वहाँ पे मैंने चेक किया तो दोनों ही कार्ड चार्जेबल थे।
तो मेरे को चार्जेबल कार्ड नहीं लेना है क्योंकि फ्लिपकार्ट वाले कार्ड का कई बार ऑफर आता है जिसमें लाइफ टाइम फ्री मिल जाता है, तो मैंने वहाँ से उसे स्किप कर दिया। तो समथिंग 2 या 3 दिन मेरे पास फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आता है कि सर आप ये वाला कार्ड ले लो, आप ये वाला कार्ड ले लो, जो फीस आपको लग रहे हैं वो आप इतना स्पेंड कर दोगे तो आपकी माफ़ कर दी जाएगी। तो इस तरीके से 2-3 दिन से मेरे पास कॉल आ रहे थे। कल मेरे पास एक कॉल आता है कि सर मैं एक्सिस बैंक से गौतम बोल रहा हूँ, आपके क्रेडिट कार्ड ऐसे कुछ उसने बोला। तो मैंने बोल दिया कि सर मैं बाइक पे चल रहा हूँ, हम बाद में बात करते हैं, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। तो जिस टाइम पे कल उसने कॉल किया था सेम आज उसी टाइम पे कॉल आया। और यार एंड्रॉयड और आईफोन में मेरे को एक चीज़ यहाँ पे ख़राब लगती है, एंड्रॉयड में हम ट्रू कॉलर यूज़ कर सकते हैं जिसमें जिसका भी कॉल आता है इसमें बता देता है कि ये स्पेम कॉल है या फिर कोई जेन्युइन कॉल है, जबकि आईफोन में पता ही नहीं चलता किसका कॉल आ रहा है, हमें नंबर नंबर ही शो करते हैं। तो एक कॉल आ रहा था कल वाला, मैंने नहीं ध्यान दिया कि इस नंबर से आया था या फिर दूसरे नंबर से आया था। तो मैंने कॉल उठाया तो उसने बोला कि सर मेरा नाम गौतम है, मैं एक्सिस बैंक से बोल रहा हूँ, क्या आशीष जी से बात हो रही है? तो मैंने बोल दिया यस सर। तो उसने बोला कि सर आप एक्सिस बैंक का मास्टर नियो कार्ड यूज़ करते हैं? मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला कि सर आपके इस कार्ड पे लिमिट इंक्रीज का ऑफर आ रहा है, क्या आप इंटरेस्टेड हो? तो मैंने झट से मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लिया कि देख लेता हूँ कि यहाँ पे लिमिट इंक्रीज का ऑफर आ गया, क्योंकि मेरे को वीडियो भी बनाने होते हैं लिमिट इंक्रीज का प्रोसेस बताने के लिए। तो मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया तो वहाँ पर कोई ऑफर नहीं था। तो मैंने बोला सर यहाँ पर तो कोई ऑफर नहीं शो कर रहा। तो उसने बोला कि सर आपको यहाँ पे ऑफर नहीं देखने को मिलेगा, डायरेक्ट बैंक की तरफ से ऑफर है, तो मैं आपको जो प्रोसेस बताता हूँ उसको आपको फॉलो करना होगा और आपका लिमिट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो मैंने उसे स्टार्टिंग में बोल दिया था कि सर कोई ओटीपी वगैरह देने पड़ेंगे? तो उसने बोला नहीं सर, आपसे कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाएगी, ओनली आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वेरीफाई की जाएगी। तो मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब कोई ओटीपी नहीं देना, कोई यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, जो आप बोलोगे वो कन्फर्म ही करना है, तो कोई इशू नहीं है, लिमिट इंक्रीज कर दो। तो उसने बोला ठीक है। फिर उसने मेरे पैन कार्ड के आखिर के 4 नंबर बताए कि आपके पैन कार्ड के एंडिंग 4 नंबर यही है? तो मैंने बोला यस सर यही है। एंड देखो आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग भी नहीं होता तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग करूँ, बट मेरे पास ये वाला फ़ोन था तो मैंने इससे वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया। मैं आपको एंड में वो भी सुनाऊंगा कि मैंने क्या क्या बात की और उसने किस तरीके से बात की, आपको बात करके समझ नहीं आएगा कि ये कोई फ्रॉड करने वाला भी हो सकता है क्या। तो फिर उसने मेरे जीमेल आईडी का स्टार्टिंग का 2 डिजिट और एंड का 2 डिजिट भी शेयर किया कि आपके जीमेल आईडी यही है क्या? तो मैंने सोचा भाई वेरीफिकेशन कॉल है, तो मैंने यहाँ पे हाँ बोल दिया कि हाँ सर यही है। फिर उसने बोला अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनको आपको आंसर करने और आपका लिमिट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक मेरे को थोड़ा बहुत डाउट था, मतलब ज़्यादा डाउट नहीं था, क्योंकि मेरे को लगा क्या पता आजकल कस्टमर केयर वाले कॉल पे लिमिट इंक्रीज वगैरह करते हैं, जैसे बहुत सारे दोस्तों ने भी कॉल पे क्रेडिट कार्ड लिए, सामने से कॉल आता है कि सर आपको ये वाला कार्ड मिला है, कि आप लेने के इच्छुक हैं, तो वो कॉल पे यहाँ पे वेरीफिकेशन वगैरह कर लेते हैं या फिर बैंक की डायरेक्ट लिंक शेयर करके कार्ड वगैरह अप्रूव करा देते हैं। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर उसने बोला कि सर आप अपना कस्टमर आईडी बताइए। तो यहाँ से मैंने वॉइस रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया था जो कि एंड में मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो मैंने बोला सर कस्टमर आईडी मेरे पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, मेरा तो ओनली क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का। तो उसने बोला सर आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगा, आप मेरे को कस्टमर आईडी शेयर कर दीजिए। अभी मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हुआ क्योंकि जब भी कस्टमर केयर से बात करोगे, मतलब जेन्युइन कस्टमर केयर से बात करोगे, वो स्टार्टिंग में बोल देते हैं कि आपसे किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाएगी, किसी तरीके का ओटीपी नहीं लिया जाएगा। बट फिर मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं कस्टमर आईडी कहाँ पे मिलेगी ताकि मेरे को भी पता लग जाए। तो उसने बोला प्रोफाइल में जाओगे, वहाँ पे व्यू प्रोफाइल है, वहाँ पे आपको कस्टमर आईडी देखने को मिलेगी। तो ये कस्टमर आईडी आपकी एक पर्सनल डिटेल है तो आप शेयर कर सकते हो, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, अगर आपको कोई इशू है तो फिर आप रहने दे सकते हो। तो मैंने सोचा कोई इशू नहीं है, देख लेते हैं, क्योंकि बहुत पहले जब फिजिकल जो पासबुक होती थी वो चलती, उसमें कस्टमर आईडी लिखी होती है, और मेरे पास भी बहुत सारों की पासबुक थी, जैसे कहीं पे जाते तो कोई दे देता है, फिर बैंक में जाते तो पैसे जमा करने के लिए पासबुक दे देता। तो मैंने सोचा कस्टमर आईडी तो ऐसे ही सभी को ऐसे वैसे पता रहती है तो शेयर कर देते हैं, और कस्टमर आईडी से होगा भी क्या, क्योंकि वो कोई प्रोसेस करेगा तो मेरे पास ओटीपी आएगा, ओटीपी मैं शेयर करूंगा तभी फ्रॉड होगा। तो एक बार तो मैंने मना कर दिया, बाद में मैंने उसे कस्टमर आईडी बता दी, कस्टमर आईडी से प्रोसेस करेगा तो बिना ओटीपी उसका काम नहीं होने वाला है। फिर उसने बोला कि सर थोड़ा टाइम वेट कीजिए, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैच करता हूँ। तो मैंने बोला कोई इशू नहीं है। फिर उसने बोला कि सर आपके SMS और ईमेल पे कंफर्मेशन मैसेज आएगा जिसको आप देखिए। तो वो इतने प्रोफेशनल तरीके से वर्ड यूज़ करते हैं, OTP को भी कंफर्मेशन मैसेज बता रहे हैं। तो मैंने झट से इसे ओपन करके देखा, अभी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो ना, इस चीज़ों से नहीं गुजरे हो या फिर इनके बारे में आपको इतना पता नहीं है, तो आप आराम से अपने साथ फ्रॉड करवा लोगे। एंड मैंने आपको बताऊँ, उसने जब एप्लीकेशन मेरा कस्टमर आईडी मांगा था ना, तभी मैंने अपने कार्ड का जो लिमिट है यहाँ पे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, इंटरनेशनल मैं ऑलरेडी ऑफ रखता हूँ, डोमेस्टिक में ऑनलाइन ऑन था, जिसको भी मैंने ऑफ कर दिया कि अगर कोई इश्यू भी होगा तो कार्ड की लिमिट के साथ किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं होगा।
बट मैं आपको बताऊं, नॉर्मल यूजर है आसानी से फ्रॉड करवा लेगा। मैं आपको बता देता हूं, देखो अभी आप देखो 3:36 पे मेरे पास मेल आया था, 4:36 पे ये स्क्रीन रिकॉर्ड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मतलब 1 घंटे पहले ही मेरे साथ बातचीत हुई थी। तो मैंने सोचा वीडियो बना के तुरंत से शेयर किया जाए, क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, लिमिट इंक्रीज़ सभी के पास ऑफर आएगा, या फिर सभी सोचेंगे कि हमारा भी लिमिट इंक्रीज़ हो जाए, कहीं थोड़े से लालच के चक्कर में आपका पैसा यहाँ पर बर्बाद ना हो जाए। तो मैं आपको मेल को ओपन करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो OTP फॉर ऑनबोर्डिंग टू एक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग। अभी मैंने यहाँ पे देखते ही 1 सेकंड के लिए तो मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई थी कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मैं लिमिट इंक्रीज करवा लूँ या फिर मेरे को नहीं करवाना चाहिए। तो मैंने उसे बोला कि सर ये तो OTP है। तो उसने बोला कि सर यहाँ पे आपका ऑनबोर्डिंग किया जा रहा है, इसके बिना आपका यहाँ पे लिमिट इंक्रीज नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे देखा, अब देखो मैंने बत्ती गुल वाली बात बोली तो मैं सही में इस टाइम पे मेरा दिमाग काम नहीं किया 1 सेकंड के लिए। मैं आपको दिखाऊं, देखो मैंने पहले क्या चीज़ देखी, एक्सिस बैंक यहाँ पे ब्लू टिक लगा हुआ था। तो मैंने सोचा यार मैसेज तो यहाँ पे एक्सिस बैंक की तरफ से आया है, मतलब मैसेज जेन्युइन है कि कोई यहाँ पे फ्रॉड नहीं है। तो मैंने ये नहीं सोचा कि ये OTP आया है, मैंने यही देखा कि मैसेज यहाँ पे जेन्युइन है, बैंक की तरफ से आया है। उस टाइम पे मैं उसको OTP दे देता, बट जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि जब OTP आएगा वो तो बैंक की तरफ से ही आएगा ना, ऐसे थोड़ी वो डायरेक्ट वही भेज देगा। OTP बैंक की तरफ से आएगा, अगर मैं इसे शेयर कर दूंगा तो ये क्या कर रहा है, मेरी नेट बैंकिंग यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा है, मतलब वो यूज़ करेगा मेरा नेट बैंकिंग, जिससे मेरे कार्ड का एक्सेस उसे मिल जाएगा। अगर मैंने कार्ड ऑफ भी कर लिया है तो वो ऑन करके यूज़ कर लेगा, उस कार्ड के CV वगैरह, कार्ड नंबर वगैरह वो सारा कुछ देख सकता है। तो भाई यहाँ पे मैंने तुरंत से उसे मना कर दिया कि मैं अपना OTP वगैरह यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, मेरे कार्ड की लिमिट है 2,10,000 रुपये, वो मेरे लिए काफ़ी है, मैं उसे यूज़ कर लूँगा, या फिर जब भी यहाँ पे लिमिट इंक्रीज़ का ऑफर आएगा ऐप में शो करेगा तो मैं लिमिट यहाँ पे इंक्रीज़ कर लूँगा। वहीं पे मेरे को पता है बहुत सारे यूजर्स उसके जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप OTP दो, वो आपसे बोलेंगे कन्फर्मेशन मैसेज है, इसे चेक कीजिए, इसमें जो नंबर है वो हमें शेयर कीजिए। मतलब वो ऐसे वर्ड यूज नहीं करेंगे जिससे आपको समझ में आए कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इतने स्मार्ट तरीके से, इतने प्रोफेशनल तरीके से आपसे पेश आएंगे कि आप आसानी से उनके जाल में फंस जाओगे। तो मैंने जैसे ही उसे मना किया, अब पहले क्या होता था, फ्रॉड करने वालों को हम इस तरीके से मना करते तो एंड में वो गाली देते या फिर अभद्र तरीके से बात करते, बट इसने मेरे से एकदम प्रोफेशनल तरीके से बात की। सर कोई बात नहीं, आपको जब ऑफर ऐप में शो कर जाए तब आप यहाँ पे अपना लिमिट इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ तक की भी उसने देखो एंड में भी सही तरीके से बात की कि मैं इसे वापस से कॉल करके लिमिट इंक्रीज करवाने के लिए बोलूंगा। तो भाई इस तरीके से कितना स्मार्ट तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मेरे पास तो ऐसा कॉल पहली बार आया है, पहले जितने भी कॉल आते हैं उनमें बात करने से पता चल जाता है कि ये कोई फ्रॉड है, इससे बात करके लगा ही नहीं कि भाई ये कोई फ्रॉड हो सकता है। बाकी अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या बैंक अकाउंट यूज करते हैं, कभी भी लिमिट इंक्रीज के लालच में किसी के साथ OTP वगैरह शेयर मत कर देना, इवन अपना पर्सनल डिटेल भी किसी के साथ शेयर मत करना। जब भी लिमिट इंक्रीज का ऑफर आता है एप्लीकेशन में आपको शो करेगा, या फिर खुद इंटरनेट बैंकिंग ओपन करके चेक कर सकते हो। मैं प्रोसेस अपने चैनल पे शेयर करता रहता हूँ कैसे आपको लिमिट इंक्रीज करना है, साथ ही में कितने महीनों में आपको लिमिट इंक्रीज का ऑफर मिलता है। कहीं आप थोड़े से लालच और थोड़ी सी जल्दबाजी के चक्कर में जितना लिमिट है उससे भी खो जाओगे और वो पैसे भी आपको पे करने पड़ेंगे। कहीं आप सोचो कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा तो बैंक उसे हैंडल कर लेगा, कोई बैंक हैंडल नहीं करेगा, खुद आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप पे नहीं करोगे तो आपका सिबिल ख़राब हो जाएगा, इन फ्यूचर कभी लोन, क्रेडिट कार्ड कुछ भी नहीं ले पाओगे। तो जिस नंबर से मेरे पास कॉल आया था स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा, इस नंबर से मेरे पास कॉल आया था, आप देख सकते हो। ऐसा अगर आपके साथ भी कॉल आता है, मैंने बाद में अपने इस वाले फ़ोन में इसे चेक किया ट्रू कॉलर पर जाके, तो स्पैम कॉल लिखा था। लगभग कॉल 3 से 6 बजे के बीच में किए हुए हैं, मतलब जो भी कॉल करता है वो 3 से 6 बजे तक ज़्यादा यूजर्स को कॉल करता है फ्रॉड करने के लिए। तो इस नंबर से आया था, आप देख सकते हो नंबर, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहां से चेक कर लेना। इस नंबर से आए तो भी ध्यान रखना है, इस तरीके से किसी भी नंबर पे लिमिट इंक्रीज वगैरह के लिए कॉल आए तो आपको बिल्कुल नहीं करवाना है। ऐप में आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, बाकी कॉल रिकॉर्डिंग मैं एंड में लगा दूंगा, पूरी स्टार्ट टू एंड सुन सकते हो। अब आपको पता है आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो मैंने इस वाले फ़ोन से वॉइस रिकॉर्ड किया। वैसे बात मैंने 3 से 4 मिनट की थी, बट मैंने 1-2 मिनट का यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड किया, वो एंड में मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा तो आप आराम से सुन लेना। बाकी गाइज मेरे को पता है आप बहुत समझदार हो, कुछ इस वीडियो से भी आपने सीख लिया होगा कि अगर इस तरीके से कोई फ्रॉड करने की कोशिश करे तो आपको उसमें जाल में नहीं फंसना है। बट आप सोचो आपके चारों तरफ आपके अपने बहुत सारे हैं, जैसे आपका कोई दोस्त होगा, आपके फैमिली में कोई मेंबर होगा, या फिर आपका कोई रिलेटिव होगा, थोड़े से लालच के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे कर बैठेंगे। तो इस वीडियो को एक बार उनके साथ ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि आपको पता है जिनका लिमिट कम होता है उनके मन में हमेशा यही होता है कि भाई जल्दी से मेरा लिमिट इतना हो जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा था, मेरे कार्ड की लिमिट कम थी तो मैं यही तरीके देखते रहता था जिससे मेरे कार्ड की लिमिट बहुत ज़्यादा हो जाए।
इसलिए उनके साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना ताकि वो किसी फ्रॉड का शिकार ना हो जाए, क्योंकि एक बार फ्रॉड हो गया तो आपको पता है कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। कहीं आप सोचो कि फ्रॉड हो जाएगा और पैसे वापस आ जाएंगे, तो पैसे वापस आना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती है, आपको बैंक को कॉल करना पड़ेगा, FIR करवानी पड़ेगी, पूरी प्रोसेस आपको शेयर करनी होगी, तब जाके कुछ चांस बन सकते हैं, वो भी कोई कन्फर्म नहीं है। उससे अच्छा ये 5-10 मिनट का वीडियो देख के पहले ही अवेयर हो जाओ। बाकी अगर आपको क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, इनके रिलेटेड वीडियोस देखना है, चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिए। वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर से करना। साथ ही में अगर आपको कुछ पूछना है, सजेस्ट करना है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड ये भी जरूर से बताना क्या इस तरीके से आपके पास भी कभी कॉल आए हैं। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जरूर से करना। साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा ठीक है सर जी, आपको मैं डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म करवाएंगे सर। 3/8/2000। 3/8 हाँ 2000। ओके 3/8/2000 ठीक है सर। आपको अपना कस्टमर आईडी याद होगा सर? सर कस्टमर आईडी मेरे पास अकाउंट नहीं है बैंक का, ओनली क्रेडिट कार्ड ही है। कोई इशू नहीं, आप एक्सिस बैंक का एप्लीकेशन यूज करते हैं ना सर? हाँ जी जी, एप्लीकेशन में जाइए, मैं आपको गाइड कर देता हूँ वहाँ पे आपको कस्टमर आईडी मिलेगी। जी एप्लीकेशन ओपन कीजिए, लॉग इन कर लिए सर? हाँ कर लिया। सबसे ऊपर देखिएगा आपका नाम शो रहा होगा सर, आई आशीष या फिर हेलो आशीष। हाँ हाँ जी, वहीं पे देखिएगा ऑप्शन आ रहा होगा सर व्यू प्रोफाइल। क्या चीज़ है? व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा होगा सर। व्यू प्रोफाइल, हाँ हाँ व्यू प्रोफाइल आ रहा है जी, उसको ओपन कीजिए। देखिए तो आप ऐसा कस्टमर आईडी मेंशन होगा 90 डिजिट का। एक सेकंड सर, शो तो कर रहा है बट मैं आपके साथ कैसे शेयर करूँ? पर्सनल डिटेल होता है सर, कॉन्फिडेंशियल डिटेल आपके बैंक का भी वेरीफाई नहीं करता। और कस्टमर आईडी इज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज योर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर सर। चलो फिर 96-65। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल लाइन पे रहिएगा, मैं आपका डिटेल एक बार मैच कर लूँ। हेलो यस सर, आपका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी रहेगा वो रहेगा स्टार्टिंग विद AA एंडिंग विद AA @gmail.com राइट सर? हाँ 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 ओके। हेलो हाँ जी, देखिएगा सर बैंक की तरफ से कोई कंफर्मेशन आया हुआ आपको, ठीक है, मेल एंड मैसेज दोनों पे आया हुआ सर, आपका कस्टमर आईडी को ऑनबोर्ड करने के लिए सर। बैंक सर्वर के सर 4-4 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड रहेगा सर, वो एक बार वेरीफाई करवाएगा। नहीं सर ये नहीं शेयर कर सकता मैं। वाई सर? OTP मांग रहे हो आप मेरे से? शेयर नहीं करना, तो जहाँ पे आप अपना कॉन्फिडेंशियल डिटेल देते हैं, आप पहले मैसेज पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कस्टमर आईडी ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग सर। नहीं सर ये मैं शेयर नहीं कर सकता, ऑफर आएगा तो ऐप में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, मैं मेरे को नहीं कर रहा। ओके कोई बात नहीं सर, थैंक यू।